हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 8 का दक्षता अभ्यास लगाएंगे। यहाँ पर इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसमें दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। ये आयु संबंधित क्वेश्चन है, इनको पहले आपको मानना पड़ेगा। मान के यहाँ पर समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना के इनको हल करेंगे। ठीक, तो हल है यहाँ पर 9 नंबर। सबसे पहले मान लेते हैं, माना मेरी आयु बराबर 100 वर्ष। ये वर्तमान आयु 100 वर्ष माना गया है। उसके बाद पुत्र की आयु, ठीक, और मानते हैं यहाँ पर पुत्र की आयु बराबर वायु वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु, ठीक, तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद मेरी आयु, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, इसका मतलब आगे प्लस हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे, प्लस को कर देंगे, तो यानी कि x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यहाँ पर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, मेरी आयु और पुत्र की आयु वाई प्लस 10 वर्ष। फिर आगे लिखा है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो मेरी आयु होगी 10 वर्ष बाद, पुत्र की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक्स प्लस 10 बराबर वाई प्लस 10। 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुणा कर देना, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो इधर हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे y में, तो 2y, और 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 2 दहम 20। अब यहाँ पर चर पद एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ, तो हो जाएगा x माइनस 2y, 2y जब हम पछाड़ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, कि इधर प्लस का है तो इधर आएगा, तो लेफ्ट हैंड में माइनस का हो जाएगा, और ये 10 माइनस में 20 से घट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया आपका। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यहाँ 5 वर्ष पहले की बात थी और बाद में 10 वर्ष, तो यहाँ पर मैंने दूसरी कंडीशन का पहले बना लिया है, अब 5 वर्ष पर बनाते हैं। ठीक, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले की बात है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले यानी एक्स माइनस 5, फिर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 5, और फिर क्या दिया हुआ है इसमें, 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले क्या था, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 बराबर 3 से y का गुणा करेंगे 3y, फिर 3 का गुणा 5 से, 3 5 15। अब y वाला पद x की तरफ लाएंगे और माइनस 5 15 की तरफ ले जाना है, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा माइनस 10, यानी कि माइनस 15 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, x माइनस 3y। इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण बन गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, पहला समीकरण x माइनस 2y बराबर 10, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब इनको दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10 और x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक, अब इसको घटाने पर यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर x वाला पद क्या होगा, कट जाएगा, तो माइनस यहाँ करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो x x कैंसिल। अब 3y से 2y घटेगा, कितना बचेगा, y बचेगा, यहाँ प्लस का 10 और प्लस का 10 जुड़ के 20 वर्ष, तो y बराबर कितना निकला है, 20 वर्ष। y किसकी आई, यहाँ पर ये पुत्र की आयु 20 वर्ष निकल आई है। अब y का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपका है x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, तो x माइनस ये भी दूना 40 हो जाएगा बराबर 10, तो x बराबर, अब माइनस का 40 जब बन जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस 40, तो x बराबर 50 वर्ष। तो x माना गया था मेरी आयु, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेरी आयु और पुत्र की आयु कितनी निकली यहाँ पर, 20 वर्ष, यानी दोनों आंसर आपके क्लियर हो गए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर, यानी अगर अंश में 2 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बन जाती है 1/4। ठीक, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह भिन्न हो जाती है 2/3, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे भिन्न, मान लेते हैं, यहाँ पर माना वह भिन्न x बटे y है। ठीक, जहाँ x क्या हो जाएगा, अंश, और y क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर है अंश और y क्या है, हर। आप प्रश्न के हिसाब से आपको काम करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि उसके अंश में 2 घटाने पर, अंश क्या है, x है, इसमें 2 घटाने पर, और हर में 3 जोड़ने पर, हर क्या है, y, और इसमें 3 जोड़ने पर। ठीक, जब ये कंडीशन की गई तो क्या बन, भिन्न क्या बन गई, 1/4। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा होगा इन दोनों से, 1 का गुणा होगा इससे। ठीक, इस प्रकार से कैंची गुणा, तो 4 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर 4 × 8, इधर 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 3। अब चर पद एक साइड में कर लेते हैं और संख्याओं को दूसरी साइड में। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस y 3 और ये प्लस का 8, क्योंकि इधर माइनस का है, जब राइट हैंड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो समीकरण बन जाएगा 4x माइनस y बराबर 11। ये एक समीकरण आपका तैयार हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण तैयार करते हैं, पुनः देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुनः प्रश्नानुसार, अंश में 6 जोड़ने, ठीक है ना, अंश में 6 जोड़ लेते हैं, x प्लस 6, और हर को 3 से गुणा किया गया है, यानी कि हर को 3 से गुणा, यानी ये गुणा ही है तो 3y हो जाएगा। ठीक, बराबर, ऐसा करने पर क्या भिन्न मिल रही है, 2/3, ये भिन्न हो जाती है 2/3। अब यहाँ भी कैसे गुणा कर लेते हैं, ये 3y 2 से गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 6 बराबर 2/3y/3। अब 3 और 3
कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस छः बराबर दो वाई। अब वाई को एक्स की तरफ लाएंगे और छः को राइट हैंड, तो समीकरण बन जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस दो वाई बराबर माइनस का छः हो जाएगा। ये समीकरण नंबर दो तैयार हो गया आपका। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर पहले देखना है कि कौन सा पद बराबर है। समीकरण एक और समीकरण दो में देख रहे हैं, यहाँ भी x, यहाँ 4x है, यहाँ x है। ठीक, तो हमको क्या करना है, विलोपन भी अगर लगाना है तो एक पद बराबर करना पड़ेगा, तो हम समीकरण एक में दो से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण एक में, समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में, तो जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 8 8x माइनस 2y बराबर 11 × 22। और फिर समीकरण दो ले लेते हैं, यहाँ पर ये समीकरण नंबर तीन आपका तैयार हो गया। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर माइनस 6। ठीक, सही, ये समीकरण नंबर दो था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर क्योंकि विलोपन विधि में एक पद बराबर करना पड़ता है तभी सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो घटाने में देखिए, ये संख्या माइनस होगी, ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी चिन्ह प्लस का हो जाएगा जब आप घटाएंगे। तो यहाँ पर 8x से x घटेगा तो 7x बचेगा, 2y कैंसिल हो जाएगा और ये 22 और 6 जुड़ के 28, तो x बराबर 28/7, यानी x बराबर निकल आएगा 4। ठीक, आंसर आपका निकल आया। अब x का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो है x माइनस 2y बराबर माइनस 6, एक्स की जगह कितना रखना है 4, माइनस 2y बराबर माइनस 6, 4 को हम माइनस 6 की तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 2y बराबर माइनस 6 ये जाएगा उधर, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस के 10। अब माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर 10/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अंश कितना निकला 4 और हर कितना निकला 5, तो भिन्न क्या थी आपकी, एक्स बटे वाई थी, इस प्रकार से 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। नोट 11 नंबर देखिए यहाँ पर, यदि पिता की आयु वर्षों में दी हुई है, उसके पुत्र की आयु का दो गुना जोड़ा जाए, ठीक है, तो योगफल 70 होता है। ठीक है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दो गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मान लेते सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु, तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक, इतना मानने के बाद आप क्वेश्चन की लाइन पकड़ेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न पहले क्या कह रहा है, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दो गुना, ठीक है ना, पुत्र की आयु का दो गुना जोड़ना, यानी कि x में 2y, यानी दो गुना तभी तो होगा जब 2y 2 से गुना करेंगे पुत्र की आयु को, तो दो गुना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। चलो ठीक, 70।
अब आगे क्वेश्चन देखो पुनः, यदि पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु यानी वायु में, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दो गुना यानी 2x जोड़ा जाता है तो योगफल हो जाता है 95। 95 ठीक, ये दो समीकरण तैयार हो गए। अब इसमें हमें अभी कोई भी पद बराबर नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, ठीक, तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे राइट एंड लेफ्ट, तो इधर गुणा होगा तो 2x हो जाएगा प्लस 2 × 4 हो जाएगा बराबर 70 × 140 हो जाएगा। आप दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखकर घटा देंगे, लेकिन अब इसको यहाँ पर दो संख्याएँ प्लस की दी हुई हैं, हम इनका क्रम चेंज करके 2x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में संख्याओं का क्रम चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 95, ये समीकरण नंबर 2 था आपका। अब इसको घटा देंगे, घटाने पर 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4y से y घटेगा तो बचेगा 3y, और यहाँ पर 140 से 95 घटाना है तो सीधी बात है 40 और 5 45 बच जाएंगे इसमें, ठीक, तो y बराबर 45/3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 वर्ष भाग करने पर। अब y का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो y का मान रख देते हैं समीकरण एक में, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक लिख लीजिए पहले, x प्लस 2y बराबर 70, तो x प्लस 2×15 = 70, तो x बराबर ये 15 × 30 हो जाएगा, 30 का हम 75 कर देंगे तो 70 से माइनस हो जाएगा, 70 − 30 तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 वर्ष, और y बराबर यहाँ पर 15 वर्ष, y बराबर 15 वर्ष। इस प्रकार से दोनों की आयु निकल आएगी, x किसकी आयु थी पिता की आयु, और y किसकी थी पुत्र की आयु, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x प्लस 4 ब्रैकेट में ये अंश में, ठीक, कोण B बराबर y प्लस 3 अंश, फिर कोण C बराबर 2y प्लस 10 अंश, और कोण D बराबर 4x माइनस 5 अंश है, तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों बिंदुओं से होता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसका ये रूल होता है कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसी का प्रयोग करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका दिया ही हुआ है, यहाँ पर ABCD दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे कोण AC, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, सम्मुख का मतलब होता है कि आमने सामने, तो आमने सामने कोण A
प्लस कोण सी बराबर कितना है 180। यहाँ पर कोण ए और सी का मान रख देंगे। कोण ए कितना दिया है 2x प्लस 4 और सी कितना दिया है 2y प्लस 10 बराबर 180। इसी को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 4 और 10 14 हो जाएगा और 14 का हम 75 कर देंगे तो 180 से माइनस होगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, अब 180 से 14 घटाएंगे तो बचेगा 6, फिर 6 और 1, 166। अब यहाँ पर हम देखें कि 2 से ये समीकरण डिवाइड किया जाता है, किया जा सकता है, तो 2 से हम पूरा भाग कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर 2 से भाग, जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई बराबर 2 8 16 और 2 3 6, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसी प्रकार कोण b और d से बनाते समीकरण, तो कोण b प्लस कोण d बराबर 180 अंश। b और d कौन से हैं यहाँ पर y प्लस 3 प्लस d है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 बराबर 180। ठीक, अब इसमें क्या करना है 3 और 5, पहले तो हम ये 4x वाला पद पहले लिख लेंगे, 4x यानी 4x प्लस y। यहाँ 3 से 5 जब घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 180 हो जाएगा। माइनस 2 का 75 कर देंगे तो इधर जुड़ जाएगा तो 182 यानी 4x प्लस y बराबर 182, ये समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है, घटाना है। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस y बराबर 83, दूसरा है 4x प्लस y बराबर 182। ये था एक नंबर, ये है दूसरा नंबर, इसको घटा देंगे। घटाने पर x से 4x घटाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा, यहाँ पर 3x, y से y कैंसिल हो जाएगा बराबर, यहाँ भी माइनस का बचेगा। 83 से 182 घटाना, ठीक, तो सीधा यहाँ पर दिख रहा है 82 कम और 83 यानी 99 बचेगा, यहाँ पर 99। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 99/3, तो आ जाएगा x बराबर 33, x का मान 33 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार y निकाल लेते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 83, x की जगह 33 लिखना है, 33 प्लस वाई बराबर 83, तो वाई बराबर 83 माइनस 33, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3, तो 3 गया 0 और 8 से 3 गए तो 5, यानी वाई बराबर 50। ये x हुआ, वाई के मान ज्ञात हो गए। अब हमको ज्ञात करना है कोण ज्ञात करने, तो जो दिया हुआ है कोण उसी में ये मान रख देंगे x व y के मान। तो सबसे पहले कोण ए, कोण ए बराबर दिया है यहाँ पर 2x प्लस 4, तो 2 गुणे x कितना है 33 प्लस 4 यानी हो जाएगा 66 प्लस 4 बराबर 70 अंश, कोण ए निकल आएगा 70 अंश। ठीक, पहला कोण निकल आया। अब कोण बी, कोण बी है y प्लस 3, y कितना है 50, 50 प्लस 3 तो हो जाएगा 53 अंश, तो कोण बी कितना हो जाएगा 53 अंश हो जाएगा।
कोण सी इसी प्रकार निकालते हैं, कोण सी बराबर 2y+10, तो 2 × 50 प्लस 10, तो यानी 100 + 10 बराबर 110 अंश, तो कोण सी हो जाएगा 110 अंश। अब कोण डी ज्ञात कर लेते हैं, कोण डी कोण डी बराबर यहाँ दिया हुआ है 4x-5 तो 4 × x कितना है 33 -5, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 इसको घटाएंगे तो बचेगा 127, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 127 अंश। इस प्रकार से ये चारों कोण 70, 53, 110 और 127 ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।